इससे पिछले लेक्चर्स में हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। उसमें से हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि हमारे पास दो नंबर्स हों ए और बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। के रियल नंबर्स में से कोई सेट के रियल नंबर्स के सेट में से कोई भी हमारे पास दो नंबर्स ए और बी हों तो तीन ऑप्शंस हो सकती है। या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, या ए बी से बड़ा हो सकता है और या ए बी से छोटा हो सकता है। इन तीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगी कि इधर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। ये तीन ऑप्शंस हो सकती हैं, कोई भी दो नंबर्स हों सेट ऑफ रियल नंबर्स के तो उनकी ये तीन ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन कि या तो दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। दूसरी ऑप्शन या ए बी से बड़ा हो सकता है और तीसरी ऑप्शन या ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास तीन नंबर्स के लिए है, फॉर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें से पहले यह है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, इट इम्प्लाइज दैट ए इज अल्सो ग्रेटर देन सी। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक कि तीन पर्सन्स हैं ए बी और सी। अगर ये कहा जाए कि ए के पास जितने पैसे हैं वो ज़्यादा हैं जितने पैसे बी के पास हैं, उससे ज़्यादा हैं, और जो बी के पास पैसे हैं वो उससे ज़्यादा हैं जो कि सी के पास हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास इन दोनों से ज़्यादा होंगे, बी से भी ज़्यादा होंगे और सी से भी ज़्यादा होंगे। या किसी और एंगल से इसको आप देख लें कि अगर ए की जो एज है वो ज़्यादा है बी से, ए जो है वो बड़ा है एज में बी से और बी जो है वो बड़ा है एज में सी से, डेफिनेटली देन ए जो है उसकी एज ज़्यादा होगी सी से। सिमिलरली इसी की दूसरी प्रॉपर्टी, ये ग्रेटर देन के लिए थी तो वो लेस देन के लिए, इफ़ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, इट इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो लेस देन सी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ये ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी देखी है उसी तरह से ये लेस देन वाली प्रॉपर्टी है। देन इज थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि उसमें पहला केस हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और एक नंबर दूसरे से बड़ा हो और दोनों में जब हम सेम नंबर ऐड करेंगे तो उसके बाद भी वो वैसे ही रहेंगे, यानी कि नंबर ऐड करने के बाद भी वापस में एक दूसरे से ग्रेटर रहेंगे। कैसे कि
for all a b c belongs to set of real numbers. पहली ऑप्शन ये है कि a is greater than b, कि a जो है वो बड़ा है b से. then it implies that कि अगर मैं a में एक नंबर ऐड कर दूं c और b में भी वही नंबर ऐड करूं c, तो ऐड करने के बाद भी ये a प्लस c ग्रेटर होगा इस b प्लस c से, कि दो नंबर्स पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और दोनों में हमने सेम नंबर ऐड किया, तो सेम नंबर ऐड करने के बाद भी वो पहला नंबर जिसमें वो नंबर ऐड किया होगा वो ग्रेटर होगा दूसरे नंबर जिसमें नंबर ऐड किया है. इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की अगर ए जो है वो लेस देन है बी से और दोनों में हम सेम नंबर ऐड करें, तो नंबर्स ऐड करने के बाद ए प्लस सी भी लेस देन होगा बी प्लस सी से. इसकी प्रॉपर्टीज एडिशन की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, हमारे पास चार नंबर्स हैं ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो अगर मैं इन दो को ऐड करूं ए प्लस सी इट विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम बी प्लस डी, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअली ए जो है वो बी से ग्रेटर है और सी जो है वो डी से ग्रेटर है, तो अगर मैं दोनों ग्रेटर वालों को ऐड करूं तो डेफिनेटली वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू उनसे जो कि लेस वाले हैं. सो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी. सिमिलरली इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस डी. देन नाउ द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉल ए बी सी belongs to set of real numbers and c is greater than 0. If a is greater than b, it implies that a c is also greater than b c. हमारे पास दो numbers हैं, अगर a b से बड़ा है तो a को भी मैं same number से multiply करूँ और b को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, नंबर पॉजिटिव हो तो a c जो है वो भी हमारे पास फिर ग्रेटर होगा b c से. सिमिलरली अगर a लेस देन हो b से और a को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, b को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद a c should be less than BC. ये कंडीशन है जब हमारे पास C एक पॉजिटिव नंबर होगा, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें. जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे जो रिजल्ट हैं वो कुछ और तरह से होंगे, वही फॉर ऑल A B C belongs to set of real numbers and C is less than 0. कि अब हमारे पास C जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो अगर a is greater than b और हम इन दोनों को किसी सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद a c विल बी लेस देन फ्रॉम b c. जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो तब हमारे पास a c छोटा हो जाएगा फ्रॉम b c, इज लेस देन फ्रॉम b c. सिमिलरली अगर हमारे पास a is less than b और
दोनों को सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सी से, देन ए सी शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम बी सी। जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल वैसे ही रहेगा जिस तरह, अगर पहले नंबर्स ग्रेटर हैं तो बाद में भी ग्रेटर रहेंगे, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास उनकी सिंबल चेंज हो जाएंगी। देन इज दी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, इट इम्प्लाइज दैट ग्रेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए सी शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम बी डी। सिमिलरली इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, इट इम्प्लाइज दैट ए सी इज लेस देन फ्रॉम बी डी। इस लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को देखा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्रिकोनोमी प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास एक नंबर या तो दूसरे के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या लेस होगा। देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे से बड़ा हो, दूसरा तीसरे नंबर से बड़ा हो, तो पहला नंबर उस तीसरे से बड़ा होगा, सिमिलरली लेस देन के लिए भी। देन एडिटिव प्रॉपर्टी, कि सेम नंबर को ऐड किया जाए तो उसके बाद भी वो आपस में वही उनका रिलेशन रहेगा जो पहले था, अगर पहले ग्रेटर हैं तो बाद में भी ग्रेटर रहेंगे, अगर पहले लेस हैं तो बाद में भी लेस रहेंगे। उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेटिव